सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी। अज दिन भर दीआं ताज़ा खबरां ते मैं हाँ बलविंदर बाबा ते लैके हाजिर होया जी। हर रोज़ की तरह अज दिन भर दीआं ताज़ा खबरां, खबरां नूं शुरू करन तो पहलां वीडियो नूं लाइक शेयर ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पर सानूं इस नाल मोटीवेशन मिलेगा ते असीं हर रोज़ की तरह इसे तरह पंजाब दीआं जिहड़ियां होर वड्डीआं ताज़ा खबरां तुहाडे लई लैके आउंदे रहांगे। तां शुरुआत कर लैणा जी पंजाब दी सब तों पहली ते वड्डी खबर तों। पंजाब विच हुण ट्रैफिक नियम तोड़न ते जुर्माने दे नाल खूनदान, स्कूल विच 2 घंटे लैक्चर ते समाज सेवा दी सज़ा। तां दोस्तों, पंजाब दे ट्रांसपोर्ट विभाग वल्लों नवें ट्रैफिक नियम नूं लैके नोटिफिकेशन जारी कीता गया है। इस विच ट्रैफिक नियम तोड़न ते अनोखी सज़ा भी तय की गई है। हुण तों ना सिर्फ लोकां नूं ट्रैफिक नियमां दी उलंघना करन ते मोटा जुर्माना भरना पवेगा, सगों खूनदान करन तों लैके 9वीं तों 12वीं तक दे घट्टो घट्ट 20 विद्यार्थियों नूं 2 घंटे नज़दीकी स्कूल विच पढ़ाउणा पवेगा। इस दौरान विद्यार्थियों नूं ट्रैफिक नियमां बारे पढ़ाया जाएगा। नवें नियमां मुताबक ओवर स्पीड ते गड्डी चलाउण ते पहली बार 1000 रुपए का चलान होवेगा, ते नाल ही 3 महीने लई ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा, जदों कि ओह गलती दूजी बार दोहराउण ते जुर्माना दुगना होवेगा। इन्ना ही नहीं, जो सगों नियमों की उलंघना करने वालों इस दौरान रिफरेंसर कोर्स भी करवाना पवेगा, ते नज़दीकी स्कूल विच विद्यार्थियों 2 घंटे लई पढ़ाउणा पवेगा। इस तों बाद नोडल अफसर वल्लों सर्टिफिकेट दिता जाएगा। अगली खबर, मुफ्त बिजली गरंटी संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी वड्डी खुशखबरी। जिवें कि दोस्तों, पंजाब सरकार ने 600 यूनिट बिजली मुआफ़ी देने उत्ते मोहर लाती है, उधर मुफ्त बिजली उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान का वड्डा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक होर खुशखबरी साझी की है। उन्होंने लिखा कि बिजली गरंटी संबंधी बहुत वड्डी खुशखबरी पंजाबी नाल साझी की जा रही है। 1 जुलाई तो मुफ्त बिजली देने का वादा लागू हो गया। जुलाई अगस्त का बिल सितंबर के पहले हफ्ते आएगा। खुशखबरी है कि लगभग 51 लाख परिवारों को बिजली का जो बिल है वो दोस्तों 0 आएगा, जो कहते हैं पूरा करते हैं। इस तो पहले दोस्तों मुफ्त बिजली उत्ते सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया से। उन्होंने आख्या कि बगैर शर्त हुण सबनों 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। दस दिए कि इस तो पहले किलोवाट की शर्त लाई गई सी, पर हुण शर्त अड़िका नहीं बनेगी। अगली खबर, आम आदमी नूं झटका, अज तो दही लस्सी ते होर वस्तुआं ते लगेगा GST। जाणो की होवेगा महंगा ते की होवेगा सस्ता। जून के अंत में GST कौंसल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगवाई में अपनी 47वीं मीटिंग की प्रधानगी की, जिथे वख-वख वस्तुआं ते वस्तुआं ते सेवा टैक्स लाने बारे कई फैसले किए गए। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੈਕਟ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ GST ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਨਾਜ਼ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਨੂੰ GST ਦੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। अगली खबर, 10वीं बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ICSE 10वीं की जमात प्रीख्या नतीजे जारी करते गए हैं, जिस तो बाद बोर्ड प्रीख्यावान नतीजों की बेसब्री उड़ीक कर रहे विद्यार्थियों की उड़ीक भी खत्म हो गई है। भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट प्रीख्यावान लई कौंसल ने नतीजों का ऐलान किया है। प्रीख्या में शामिल हुए विद्यार्थी अधिकारत वैबसाइट CISE.org से अपने जाके रिजल्ट ठीक है जी चैक कर सकते हैं। CISE बोर्ड ने मई महीने 10वीं जमात की प्रीख्या करवाई सी। इस प्रीख्या में पास होने विद्यार्थी को घट्टो घट 33% अंक प्राप्त कर जरूरी सन। CISE बोर्ड ने इस साल बोर्ड की प्रीख्या 2 शर्तों में करवाई सी। विद्यार्थियों की प्रीख्या का नतीजा अपने मोबाइल से SMS राही भी वेख सकते हैं। सो दोस्तों, ये तरीका ठीक है, तुम अपना रिजल्ट चैक कर सकते हो तरीका वरत के, ठीक है जी। ये 6 स्टैप ने। अगली खबर, मकाऊ में कोरोना को रोकने लिए 5 दिन का होर वधाया गया लॉकडाउन। कोरोना वायरस महामारी नाल जूझ रहे चीन के शहर मकाऊ ने इन्फेक्शन नाल नजिठण वास्ते शनिवार को लॉकडाउन 5 दिन लिए वधा दिता है। अधिकारियों ने दसिया कि इस खेत्र में 23 जुलाई तक उद्योग और व्यापारक कंपनियां बंद रहनगियां। ये लॉकडाउन 11 जुलाई में शुरू होया सी, इस ऐतवार को खत्म होना सी। लॉकडाउन तहत अधिकारियों ने होटल रेस्टोरेंट में खाण पीन पर पाबंदी लगा दी है। हुक्म दिता है कि जदों तक बहुत जरूरी ना हो लोग घरों बाहर ना निकलन, जिस जिन्हों का जाना जरूरी है वह KN95 मास्क या उस तरह का कोई होर मास्क लगा के जाण। तां दोस्तों, ये सन समय दीआं सब तो वड्डीआं ताज़ा खबरां। जेकर जानकारी चंगी लगी हो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, नाल ते बैल आइकन नूं प्रेस कर लो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।